कैपेसिटर, और इस केस में हम एक टर्म डिफाइन कर रहे थे जिसका नाम था कैपेसिटिव रिएक्टेंस. एंड इन दैट टर्म आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस. तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में मैंने आपसे ये बोला था कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज व्हाट, द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1/ωc, ठीक है, वेयर ओमेगा कैन बी कंसीडर्ड एज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ठीक है सर, तो इसको हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, xc इज इक्वल टू 1/2πfc. ठीक है, या तो आप 1/ωc लिख लीजिए या 2πfc लिख लीजिए, दोनों का एक ही मतलब है. और ये क्या है सर, ये व्हाट इज दिस xc? ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये एक्चुअली में क्या चीज है? तो दिस इज द ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन फेस्ड बाय करंट और अल्टरनेटिंग करंट व्हाइल फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ये तो होता है. कैपेसिटिव रिएक्टेंस बेसिकली क्या है? तो सर ऑब्स्ट्रक्शन है. किसका ऑब्स्ट्रक्शन है? जो कैपेसिटर ऑब्स्ट्रक्ट करता है फ्लो ऑफ एसी को, वही ऑब्स्ट्रक्शन हम उसी का नाम क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ठीक है, जिसकी वैल्यू 1/2πfc होती है. आप देखो सर, अगर आप फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर जो एफ है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल्टरनेटिंग सोर्स, और यू कैन से ऑल्टरनेटिंग करंट. तो ये सोर्स की अगर फ्रीक्वेंसी या करंट की फ्रीक्वेंसी को आप चेंज करोगे तो अनडाउटेडली आपकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस चेंज होगी. तो ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ लिखा जा सकता है. एम आई करेक्ट? देखो 2π इज अ कॉन्स्टेंट एंड फॉर अ गिवन कैपेसिटर कैपेसिटेंस विल ऑल्सो बी कॉन्स्टेंट. तो xc कैन बी रिटन एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, xc वर्सेस f का ग्राफ, तो xc वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो दिस ग्राफ विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ. सही? नोट करिए इस बात को. अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? तो चाहे वो कोई सा भी रिएक्टेंस हो, रिएक्टेंस का बेसिक काम है टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट. तो रिएक्टेंस का वही काम है जो आपके रेजिस्टेंस का काम है ऑब्स्ट्रक्ट करने का. तो ये क्योंकि इट इज द केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसकी भी यूनिट क्या है? इसकी भी यूनिट ओम है बेटा. इसकी भी यूनिट क्या है? इसकी भी यूनिट ओम है. लिख लेना तो बताना ताकि मैं आगे बढ़ाऊं. सही है, फर्स्ट स्लाइड है. हाँ, बस अभी शुरू करें. डन. भाई नोट कर लिया सर आप लोगों ने ये जो मैंने लिखा है स्क्रीन पर? डन सर. नेक्स्ट, प्योर इंडक्टिव सर्किट. अब देखो सर, इससे पहले मैं प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करूंगा. अब इसमें भी बेसिकली वही करना है आपको. क्या करना है सर? वही फेज का रिलेशन देखना है आपको, करंट और ईएमएफ के बीच के फेज का रिलेशन ही आपको ऑब्जर्व करना है. बट उससे पहले कि मैं इस पर डिस्कशन करूं, एक बात समझें. इंडक्टर का बेसिक मतलब क्या होता है? तो इंडक्टर का मतलब होता है ऐसी कोई भी कॉइल जिसका कोफिशियंट ऑफ इंडक्टेंस इज मच ग्रेटर इन कंपैरिजन टू इट्स रेजिस्टेंस. ठीक है, मतलब ऐसी कोई भी कॉइल जिसमें इंडक्टेंस, अच्छा वैसे भी याद रखिएगा कि एवरी कॉइल हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्शन. हर क्वाइल की प्रॉपर्टी होती है सेल्फ इंडक्शन की. हर क्वाइल की प्रॉपर्टी किसकी होती है बेटा? तो एवरी क्वाइल हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्शन. सेल्फ इंडक्शन जो है ना, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी क्वाइल, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था. तो बेटा अगर किसी क्वाइल का जो सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी है, अगर वो उसके रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो उस केस में हम उस क्वाइल को विल ट्रीट एज एन इंडक्टर. तो इंडक्टर का बेसिक मतलब यही होता है. इंडक्टर का बेसिक मतलब होता है कि ऐसी कोई भी क्वाइल जिसमें
इंडक्टेंस की वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू के कंपैरिजन में ज्यादा हो, ठीक है। अब अगर मैं इस तरह के इंडक्टर, अच्छा एक बात और याद रखिए, इंडक्टर के थ्रू अगर आप एसी पास करेंगे तो एसी का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब ऐसा करंट जो वेरी कर रहा होगा, तो जब भी आप वेरिंग करंट पास करेंगे थ्रू द इंडक्टर तो उसमें जो फिनोमेना आएगा वो आएगा सेल्फ इंडक्शन का, समझ में आ रही बात, उसमें किसका फिनोमेना आएगा, सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना आएगा। और सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना आएगा तो आपको लास्ट वाले चैप्टर में मैंने बताया था, मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना पढ़ते हैं कितना नहीं पढ़ते हैं, मेरी बात याद आए आ जाए शायद आपको, कि आपको मैंने बताया था कि व्हेनेवर देयर विल बी अ सेल्फ इंडक्शन और देयर विल बी एन इंडक्शन ऑफ ईएमएफ, तो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ वी नो दैट लेंज लॉ क्या कहता है कि दैट ईएमएफ विल इंड्यूस इन सच अ वे सो दैट इट कैन अपोज द कॉज दैट हैज इंड्यूस्ड इट, मतलब जिस कॉज ने उसको इंड्यूस करा है उसी कॉज को वो अपोज करता है। तो यहां पर क्या होएगा बेटा कि अगर मैं कोई इंडक्टर ले लूं, ध्यान से समझिए कि अगर इफ आई टेक सम इंडक्टर, ये इंडक्टर आपने ले लिया, देखिए ये आपने इंडक्टर ले लिया और ये इंडक्टर लेके ऐसे 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 इंडक्टर, इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल, यहाँ पर आपका ये करंट फ्लो करेगा तो अनडाउटेडली दिस करंट विल बी टाइम वेरिंग करंट, और जब आप टाइम वेरिंग करंट को पास कराएंगे तो क्या होगा सर, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, किसमें, इंडक्टर में, किस फिनोमेना के वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो ड्यू टू द सेल्फ इंडक्शन देयर विल बी एन ईएमएफ दैट विल इंड्यूस इन द इंडक्टर व्हिच विल अपोज द फ्लो ऑफ द करंट, किसको अपोज करेगा, करंट के फ्लो को अपोज करेगा, राइट। तो मान लो कि सोर्स का जो ईएमएफ है, लेट दैट ईएमएफ ऑफ द सोर्स या वोल्टेज ऑफ द सोर्स जो भी कह लें आप, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। एक बात याद रखिए कि ईएमएफ ई से रिप्रेजेंट करिए या वी से करिए उससे फर्क नहीं पड़ेगा इस केस में। अब यहां पर आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द करंट, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या देखना है, तो अल्टीमेटली वी वॉन्ट टू चेक द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड दिस वोल्टेज, वोल्टेज और करंट के बीच का हमें फेज डिफरेंस देखना है, तो इसके लिए हमें करंट की वैल्यू चाहिए। अब वो करंट की वैल्यू कैसे लाएं सर, तो ये रेजिस्टर तो है नहीं कि जो हम सिंपली वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो वो करंट की वैल्यू आ जाएगी, ये इंडक्टर है तो इसमें करंट की वैल्यू कैसे लाएं, तो करंट की वैल्यू लाने के लिए हम करेंगे क्या, ध्यान से देखें, करंट की वैल्यू लाने के लिए हम इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे, और केवीएल आपको याद होगा कि केवीएल क्या कहता है कि किसी भी लूप में आप जितने भी वोल्टेजेस हैं उन सब का सम अगर ले लीजिए, तो इन अ क्लोज लूप The algebraic sum of all the voltages is always equal to zero. किसी भी closed loop में algebraic sum of all the voltage drop is always equal to what? It is equal to zero. तो यहाँ पर कौन कौन सा voltage है? कौन बताएगा? इस loop में क्या क्या EMF आपको दिखाई दे रहा है? नहीं आई बात समझ में। अरे एक तो सोर्स का ईएमएफ है और एक ईएमएफ इंडक्टर में इंड्यूस होगा, मुझे पहले तो ये बताओ कि इंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट ईएमएफ, छोड़ दो इसको, मुझे ये बताओ कि किसी भी क्वाइल में जो ड्यू टू द सेल्फ इंडक्शन, सुन रहे हो मेरी बात, किसी भी क्वाइल में ड्यू टू द सेल्फ इंडक्शन जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, हाउ डू यू राइट और व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ क्वाइल ड्यू टू द सेल्फ इंडक्शन, आई एम आस्किंग यू पीपल, मैं तुम्हें ही पढ़ा रहा हूं, किसी और को नहीं पढ़ा रहा इस समय पे, मैं फिर से आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि ड्यू टू द सेल्फ इंडक्शन जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो उस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द EMF induced due to the self induction minus L D I over D, ढूंढ लिया इतनी देर में, चलिए भाई बालक ने बिल्कुल सही बोला है, माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी, भैया पढ़ लो ठीक है। अच्छा आप में जितने भी बच्चे हैं वो सब सीबीएसई बोर्ड वाले हैं या कोई इधर उधर बोर्ड वाला भी है? सीबीएसई सर, सीबीएसई वो नहीं दिखाई दे रहा है खास पेल हर्षित, कुछ उत्तराखंड बोर्ड वाले भी हैं शायद, तो खैर आप जितने अभी हैं शायद वो सब सीबीएसई वाले हैं, तो सीबीएसई का जो फर्स्ट टर्म होगा
वो मिड ऑफ नवंबर में होगा, है ना? सही। मरवा कब है, क्या है? दिसंबर नहीं, जो ऑफिशियल न्यूज जो हद तक आई है वो है मिड ऑफ नवंबर में होगा, जो मतलब जो ऑफिशियल है। खैर, तो मिड ऑफ नवंबर में अगर होगा तो आपको पता है कि आपका सिलेबस कहाँ तक आ रहा है, यस सर कहाँ तक? सर ये चैप्टर है यही चैप्टर तक, है ना? तो मतलब सिलेबस का तो किसी को इशू नहीं है, तो मुझे रिजल्ट चाहिए अच्छा, क्योंकि सिलेबस एकदम टाइम से पहले ये खत्म हो जाएगा। आप कहोगे कि सर वो वाला चैप्टर आपने नहीं कराया था, मैटर एंड मैग्नेट वाला, वो भी कराऊंगा, तो दैट इज द डिस्कशन ऑफ मोर देन मैक्सिमम ऑफ 2 क्लास। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई आपका ये अभी सितंबर चल रहा है, तो सितंबर में योर सिलेबस मोस्ट प्रोबेबली विल बी ओवर, मतलब एटलीस्ट 1 महीने 1.5 महीने पहले आपका सिलेबस खत्म हो रहा है। उसके बाद भी अगर रिजल्ट अच्छा नहीं हो तो फिर बहुत अफसोस होगा। तो प्लीज स्टार्ट स्टडिंग, स्टार्ट रिवाइजिंग, स्टार्ट डीलिंग विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जो पैटर्न इस बार सीबीएसई का है, उस पैटर्न पे चीजों को करना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, सो दैट यू गेट गुड मार्क्स। ठीक है, ये नहीं है कि ऑब्जेक्टिव आएगा तो बस अक्कर बक्कर बम्बे डॉ करके आप आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव का आंसर आप तभी टिक कर पाएंगे जब आपको वो पता होगा कि भाई क्या है क्वेश्चन, उसके बारे में क्या कहानी है, तभी तो कर पाओगे। तो इसलिए प्लीज पढ़ना शुरू कर दें आप लोग, और रिजल्ट हर किसी का आना चाहिए विदाउट एनी लेम एक्सक्यूज। ठीक है, कोई घटिया एक्सक्यूज मत देना कि भाई ये नहीं समझ आया था, वो नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, बिकॉज यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज फ्रॉम आवर साइड, राइट? कि बेसिकली अगर आपको मैं 1-1.5 महीने पहले सिलेबस खत्म कर रहा हूँ, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टर्म, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म का भी सिलेबस हमारा चालू हो जाएगा, तो वो भी पहले ही खत्म हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो उसके बाद आपके पास लेम एक्सक्यूज नहीं बचता। ठीक है, तो प्लीज पढ़ाई करें मेहनत से ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए सर, तो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपका जो ये KVL है, विच इज किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज लूप में जितने भी वोल्टेज होंगे उन सब का सम विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। ये हमने पढ़ा था इन द चैप्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो उस केस में, इस केस में क्या क्या वोल्टेज है? तो एक तो सोर्स का वोल्टेज है जिसकी वैल्यू E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी है। दूसरा, कहां पर वोल्टेज इंड्यूस होगा या ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो दैट विल गेट इंड्यूस इन द इंडक्टर बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ फ्लक्स। और फ्लक्स क्यों चेंज होगा? क्योंकि करंट वेरी कर रहा है, तो करंट अगर वेरी कर रहा है तो फ्लक्स भी वेरी करेगा, तो इस चक्कर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। तो नेट ईएमएफ आप लिख सकते हैं ई माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी एंड दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। अब आप ये मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो कि ये क्या किया सर आपने, तो दो ईएमएफ है ना, दो ईएमएफ है, एक ईएमएफ है आपके सोर्स का और दूसरा ईएमएफ क्या है, दूसरा ईएमएफ है इंडक्टर के अक्रॉस जो ईएमएफ मिल रहा है आपको, और उन दोनों का सम विल बी जीरो। माइनस क्यों लगाया? तो आप याद करिए, इंडक्टर के अक्रॉस जो ईएमएफ होता है वो माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी होता है, इसलिए माइनस लगाया। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अरे हाँ ना, बोल भाई। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ई क्या है बेटा? तो ई इज द ईएमएफ ऑफ द सोर्स एंड दैट विल बी रिटन एज इक्वल टू ई, को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। यहां से मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ई नॉट बाई एल, या इसको ऐसे कर दो ई नॉट बाई एल, ये साइन ओमेगा टी, तो इसको आप लिख दो ई नॉट बाई एल, और साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। बोथ साइड आप इंटीग्रेट कर दो, सो दैट यू गेट द वैल्यू ऑफ करंट। अगर आप ये इंटीग्रेशन करेंगे तो डी आई का इंटीग्रेशन विल बी आई, ठीक है, और ये हो जाएगा ई नॉट बाई एल। दिस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई ओमेगा। ठीक है, यही तो लिखेंगे आप। देखिए आप, अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो, आप लोग मैथ्स वाले हैं, आपको मैं इंटीग्रेशन सिखाऊंगा नहीं। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। इसका मतलब मैं इस करंट को ऐसे लिख सकता हूं, ई नॉट बाई ओमेगा एल विथ अ नेगेटिव साइन कॉस ऑफ ओमेगा टी। इसको फर्दर आप क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट इट एज माइनस ऑफ ई नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी को मैं यहां पर लिखूंगा साइन ऑफ ओमेगा टी, सॉरी साइन ऑफ 90 माइनस ऑफ ओमेगा टी। अब आप ये क्रॉस क्वेश्चन अगर किसी के मन में आए तो वो ये कर सकता है कि इससे पहले जब हम कैपेसिटर वाली सर्किट की बात कर रहे थे
तो वहां पर भी कॉस आया था और वहां पर आपने कॉस को लिखा था साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू या साइन 90 प्लस ओमेगा टी के फॉर्म में लिखा था। यहां पर भी कॉस आया मगर यहां पर कॉस को आप लिख रहे हैं साइन 90 माइनस ऑफ ओमेगा टी। यहां पर क्यों नहीं आप प्लस लगा रहे हो, यहां पर माइनस क्यों लगा रहे हो? समझा आप मेरी बात मैंने क्या बका? ठीक है, तो उसका रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए कैपेसिटिव सर्किट में जब करंट की इक्वेशन लिखा था आपने तो कोई एडिशनल नेगेटिव साइन उसमें नहीं आ रहा था, कोई और नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था उस इक्वेशन में। यहां पर अगर आप करंट की इक्वेशन देखें तो एक ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन दिख रहा है आपको माइनस ऑफ ई नॉट बाई ओमेगा एल। द पॉइंट इज कि आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस नेगेटिव साइन, मुझे ये नेगेटिव साइन नहीं चाहिए करंट में। ठीक है, जस्ट टू गेट रिड ऑफ दिस नेगेटिव साइन वी आर डूइंग दिस कि वी आर राइटिंग कॉस ओमेगा टी एज साइन 90 माइनस ऑफ ओमेगा टी। तो इससे फायदा क्या होगा, देखो माइनस ऑफ ई नॉट बाई ओमेगा एल इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये अपना साइन एज इट इज, इसमें माइनस कॉमन ले लो, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई टू, ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई टू हो जाएगा ये। समझ आई बात? अब इससे फायदा क्या हुआ कि ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू अगर आप ध्यान से देखें तो इट इज नथिंग बट द एंगल ऑफ दिस साइन। भाई ये एंगल ही तो है ना, साइन के साथ जो भी लिखा होगा वो उसका एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये अल्टीमेटली एंगल है। इसका मतलब ये इस फॉर्म का दिख रहा है साइन ऑफ माइनस ऑफ थीटा, से समथिंग और साइन ऑफ माइनस थीटा इज वॉट माइनस साइन थीटा। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ ई नॉट ओमेगा एल दिस विल बी रिटन एज इक्वल टू माइनस, आप इसको ऐसे लिख दीजिए तो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं। इससे फायदा क्या हुआ, माइनस एंड माइनस विल मल्टीप्लाई टू बिकम प्लस। ठीक है, तो आई विल गेट रिड ऑफ दिस नेगेटिव साइन। तो यहां तक नोट करिए तो आगे फर्दर बताता हूं। नोट कर लेना तो बताना प्लीज। आंसर आसिया नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, तो इफ यू लुक एट दिस करंट तो फाइनली वी कैन राइट दिस इक्वेशन ऑफ करंट एज आई विल बी रिटन एज इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई टू। अब देखो अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ, वन मोर थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सर यहाँ पर व्हाट इज दिस ई नॉट बाई ओमेगा एल, ई नॉट बाई ओमेगा एल क्या है वो तो बताओ। ये देखो ये अभी करंट की इक्वेशन तो है बट आई एम नॉट श्योर अबाउट ई नॉट बाई ओमेगा एल, व्हाट डज दिस वैल्यू रिप्रेजेंट, ये करंट की किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर ये करंट, अगर ये पहली बात तो ई नॉट बाई ओमेगा एल करंट है या नहीं है, ये करंट की वैल्यू है या नहीं है, और अगर ये वैल्यू है करंट की ये किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है? इज इट रिप्रेजेंटिंग सम इंस्टेंटेनियस वैल्यू या सम फिक्स्ड वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे कि कंपेयर दिस अगेन दिस इक्वेशन विद द रेजिस्टिव या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट वाली इक्वेशन के साथ इसको फिर से कंपेयर करो, है ना। कंपेयरिंग ध्यान से सुनिएगा सर, कंपेयरिंग जैसे कैपेसिटिव सर्किट में भी हमने यही काम किया था, कंपेयरिंग
above equation with क्या हो रहा है ये इतना गंदा क्यों लिख रहा है एक मिनट रुको बच्चों कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ इक्वेशन ऑफ करंट ऑफ रेजिस्टिव सर्किट में जो करंट की इक्वेशन है उसके साथ आप इसको कंपेयर कर लें तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे और रेजिस्टिव सर्किट में इक्वेशन क्या थी ई नॉट बाई आर साइन ऑफ ओमेगा टी थी हाँ ना बोल भाई ये तो इक्वेशन थी ठीक है तो इन दोनों को अगर आप आपस में कंपेयर करेंगे तो क्या होगा बेटा आपस में कंपेयर करके आप फिर से देखो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ यू आर कंपेयरिंग तो आपको ये दोनों इक्वेशन अगर आप कंपेयर करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कि भाई इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पर जो काम रेजिस्टर में रेजिस्टेंस का है वही काम इंडक्टर में ओमेगा एल का है देखो अच्छे से जैसे मैंने कहा था जो काम रेजिस्टर में रेजिस्टेंस का है वही काम कैपेसिटर में वन अपॉन ओमेगा सी का है उसी तरह से अगर आप यहां पर देखें तो जो काम रेजिस्टर में रेजिस्टेंस का है वही काम इंडक्टर में किसका है तो वही काम इंडक्टर में ओमेगा एल का है आपको मेरी बात समझ में आ रही है मतलब सर आर यू ट्राइंग टू टेल दैट कि ओमेगा एल इज ऑल्सो द रेजिस्टेंस यस आई एम ट्राइंग टू टेल द सेम कि भाई ओमेगा एल जो है यहां पर वो क्या चीज है तो ओमेगा एल इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस बट ये किसका रेजिस्टेंस है तो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर मतलब इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि द ऑब्स्ट्रक्शन फेज्ड बाय एसी व्हाइल फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर विल बी कॉल्ड एज ओमेगा एल आप मेरी बात समझे कि ओमेगा एल क्या चीज है बेटा ओमेगा एल ऑब्स्ट्रक्शन है किसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन है ये ऑब्स्ट्रक्शन है टू द फ्लो ऑफ एसी अब आप मुझसे ये क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो व्हाई देयर विल बी एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ एसी इसलिए होगा क्योंकि एसी के फ्लो करने से एसी के फ्लो करने से ईएमएफ इंड्यूस होगा किसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा इंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इंडक्टर में जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि इंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो इंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वो अपोज करेगा फ्लो ऑफ एसी को समझ में आई बात तो बेसिकली ये वही ऑब्स्ट्रक्शन है जो इंडक्टर लगाता है टू द फ्लो ऑफ एसी इसका मतलब सर हम यहाँ पर ओमेगा एल को क्या कह सकते हैं ओमेगा एल को हम इंडक्टर का रेजिस्टेंस कह सकते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता ना बोलते हुए कि रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर तो इसको एक नाम दिया गया इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेल और एक्सेल इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस समझ में आई बात हाँ ना बोलो यस जैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस था वैसे ही इंडक्टिव रिएक्टेंस है इसका मतलब यहां से हम क्या कह सकते हैं सर करंट को वी कैन राइट दिस करंट एज करंट की वैल्यू को व्हाट वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ करंट तो करंट की वैल्यू को वी कैन राइट इट एज ई नॉट डिवाइडेड बाय एक्सएल इनटू व्हाट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाय 2 और ई नॉट को एक्सएल से अगर हम डिवाइड करते हैं तो दिस बिकम्स आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाय 2 दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट अब लुकिंग एट दिस इक्वेशन ऑफ द करंट कंपेयर इट विद द इक्वेशन ऑफ द ईएमएफ अगर आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करके देखेंगे तो डोंट यू थिंक सो कि इन दिस केस करंट लैग्स ईएमएफ बाय पाई बाय 2 देखो ईएमएफ की जो इक्वेशन लिखा है आपने और जो करंट की इक्वेशन लिखा है इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके देखो एनालाइज करो तो इसमें कौन लीड और कौन लैग कर रहा है आप लोगों को बताना भाई ईएमएफ लीड कर रहा है या ईएमएफ लैग कर रहा है ईएमएफ लीड कर रहा है लीड कर रहा है लीड कर रहा है ईएमएफ लीड कर रहा है सबको समझ में आ रही है बात ईएमएफ लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है इसका मतलब हम कह सकते हैं इन इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स EMF by pi by 2 करंट लैग करता है कितने एंगल से pi by 2 से इसका मतलब क्या है सर इसका मतलब यह है कि जब EMF 0 होगा मतलब अगर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 तो जब EMF 0 होगा तो करंट की वैल्यू माइनस में होगी जब EMF अपने मैक्सिमम पे पहुंचेगा तो करंट 0 पे पहुंचेगा देखो कैसे मान लो कि अगर मैं इसका वेव फॉर्म शो करूं तो वेव फॉर्म कैसा दिखेगा सर वेव फॉर्म मतलब वही जो कर्व हम बनाते हैं साइन का या कॉस का अगर मान लीजिए कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ ईएमएफ दिस कर्व रिप्रेजेंट्स ईएमएफ
तो करंट के लिए कैसे बनाओगे? देखो भाई, जब आपका ईएमएफ जीरो है तो करंट आपका माइनस में होगा, अपने नेगेटिव मैक्सिमम पे होगा। उसके बाद जब ये मैक्सिमम हुआ ईएमएफ, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मतलब यहां से स्टार्ट होगा, ये ऐसे जाएगा, फिर जब ये जीरो होगा तो ये मैक्सिमम होगा, फिर ऐसे ऐसे चलाओ, ये जब मैक्सिमम होगा ऑपोजिट साइड में तो करंट जीरो होगा, एंड सो ऑन। दिस इज हाउ द करंट विल फ्लो। ठीक है, तो दिस इज द वेव फॉर्म फॉर द करंट। तो ये ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स ईएमएफ एंड दिस रिप्रेजेंट्स करंट। ठीक है, फिर से यहां तक नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। डांसर ओके द अनदर कॉन्सेप्ट सर, इसी में अगर इफ यू वांट टू शो दिस बाय फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम मतलब इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, अगर आप इसी चीज को शो करोगे तो कैसे करोगे? तो यहां पर फिर से हमें पता है कि ईएमएफ का जो फेज एंगल है दैट इज ओमेगा टी, बिकॉज ईएमएफ आपने लिखा था ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर आप फेजर ड्रॉ करेंगे तो फेजर ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, ईएमएफ ये ईएमएफ है आपका, this is at an angle of omega t, ये EMF हो गया, और यहाँ पर current lagging है EMF से by an angle of 90 degree, तो you will show the current this way। मैंने आपसे बोला है कि जब lag हो तो उसको clockwise direction में show करो, और जब lead हो तो उसको anti-clockwise direction में show करो, तो this is the value of current, and the angle between them is 90 degree, this is the angle between them। ठीक है, तो this will be the phasor diagram for the EMF and the current in the case of inductor। अच्छा, दूसरी बात और याद रखिए कि एक्सएल मैंने लिखा था सर अभी ओमेगा एल, इसको आप फर्दर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई एफ एल। ओमेगा का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है और एफ का मतलब लीनियर फ्रीक्वेंसी होता है। मैंने पहले भी बोला है कि लीनियर फ्रीक्वेंसी कैन आइदर बी रिप्रेजेंटेड बाई एफ और इट कैन इवन बी रिप्रेजेंटेड बाई दिस साइन विच इज कॉल्ड एज न्यू। ये ऐसा वी जैसा लिखते हैं ना, थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा करके ऐसा, एक्चुअली में ऐसा दिखता है ये, तो इससे भी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो किसी से भी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्सएल यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इफ आई ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन दीज टू, तो ये क्या होगा? दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट इज लीनियरली रिलेटेड एंड एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लीनियर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ग्राफ विल ऑब्वियसली बी अ स्ट्रेट लाइन। Done? Yes, sir. ठीक है। तो बेटा पूरी कहानी एक बार फिर से मैं समराइज कर रहा हूँ कि सबसे पहली बात तो ये कि what we have talked till now is
कि जब आपका सर्किट रेजिस्टिव होगा, या इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि इन द केस ऑफ रेजिस्टर, रेजिस्टर के केस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर मैं रेजिस्टर की बात करूं तो रेजिस्टर के केस में हम सबसे पहली बात तो ये कह सकते हैं कि रेजिस्टर में करंट और आपका जो ईएमएफ है वो दोनों सेम फेज में होगा, देयर विल बी नो फेज डिफरेंस बिटवीन द टू एज सच। और जब आप इंडक्टर ले लेंगे तो इंडक्टर में फेज का डिफरेंस आएगा और कैपेसिटर में भी फेज का डिफरेंस आएगा। कैपेसिटर के केस में क्या होएगा, तो कैपेसिटर के केस में आप ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर के केस में जो ईएमएफ है वो लैग करेगा और करंट लीड करेगा, और इंडक्टर के केस में करंट लीड करेगा और सॉरी ईएमएफ लीड करेगा और करंट लैग करेगा। फिर से रिपीट कर देता हूं कि रेजिस्टर के केस में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा बिटवीन ईएमएफ एंड करंट, कैपेसिटर के केस में करंट लैग करता है ईएमएफ लीड करता है, और इंडक्टर के केस में उल्टा बोल गया क्या मैं, कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है और ईएमएफ लैग करता है, इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है और ईएमएफ लीड करता है। ठीक है सर, ये पॉइंट्स हमने लिख लिया है। अब ये सब पढ़ने के बाद अब मेन एक सर्किट आ रही है जिसपे कुछ थ्योरी भी ज्यादा है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी अपन करेंगे, उसका नाम है सीरीज एलसीआर सर्किट। तो लिखिए अगला टॉपिक, सीरीज एलसीआर सर्किट। आपके सिलेबस का पार्ट जो नेक्स्ट सर्किट है वो है सीरीज एलसीआर सर्किट। भाई ये एलसीआर सर्किट लिखा हुआ है इसका ये मतलब नहीं कि पहले इंडक्टर ही बनाना है, आपका आपकी मर्जी है, पहले इंडक्टर दिखा दो या कैपेसिटर दिखाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। L stands for inductor, in this case C stands for capacitor and R stands for resistor। मतलब अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। इसका मतलब है कि उस सर्किट में या तो सिर्फ रेजिस्टर था या सिर्फ इंडक्टर था या सिर्फ कैपेसिटर था। इस वाले केस में क्या हो रहा है कि तीनों को हमने क्या किया है, कंबाइन कर दिया है इन सीरीज। तो सीरीज एलसीआर सर्किट में इंडक्टर होगा एक, मान लीजिए दिस इज योर इंडक्टर ऑफ सम इंडक्टेंस, देन वी विल हैव कैपेसिटर ऑफ सम कैपेसिटेंस, एंड देन वी विल हैव रेजिस्टर ऑफ सम रेजिस्टेंस, एंड ऑल ऑफ दीज आर कनेक्टेड अक्रॉस सम अल्टरनेटिंग सोर्स। ठीक है, और मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट इन दिस सर्किट, एंड मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं टू गेट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ठीक है, बात समझ में आ रही है, मुझे क्या निकालना है, करंट निकालना है, क्या निकालना है, ये इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस L है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है और रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R है, इसमें मुझे करंट चाहिए। अगर सिर्फ ये रेजिस्टर होता तो सिर्फ मैं लिख देता भाई करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, अगर सिर्फ इंडक्टर होता तो मैं लिख देता करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस, अगर सिर्फ कैपेसिटर होता तो मैं लिख देता करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मगर ये जो सर्किट है इसमें तीनों सर्किट एलिमेंट है एंड ऑल दी सर्किट एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन सीरीज। तो ऐसे केस में हाउ डू वी कैलकुलेट द वैल्यू, अब इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पर मेन रोल आपको समझ में आएगा फेजर का। ठीक है, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट वी विल हैव टू फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ ईएमएफ, और ईएमएफ फाइंड करने के लिए जो यहां पर है वो मेन खेल आपको समझ में आएगा फेजर का, कि फेजर व्हाई दिस फेजर इज सो इंपॉर्टेंट। तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट। देखो एक बात तो क्लियर है कि सर मैंने इंडक्टर में क्या बोला, इंडक्टर में बोला कि अगर ये ईएमएफ को रिप्रेजेंट करोगे ऐसे तो करंट को ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ताकि यू आर शोइंग द लैग बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू। कैपेसिटर के केस में उल्टा हो जाएगा कि अगर ये ईएमएफ है तो करंट वुड बी लीडिंग बाय द सेम एंगल ऑफ पाई बाय टू, एंड इन द केस ऑफ रेजिस्टर यू नो देयर इज नो फेज डिफरेंस, तो ईएमएफ एंड करंट बोथ विल बी इन द सेम ऑन द सेम लाइन और दे कैन बी शोन एज पैरेलल वेक्टर्स। अब देखो एक्चुअली में मुझे निकालना क्या है, तो मैंने आपसे बोला कि वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल करंट इन दिस सर्किट, बट इस टोटल करंट को फाइंड करने के लिए आई नीड टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टर। देखो बेटा अगर सिर्फ रेजिस्टर हो तो कोई मसला नहीं था, सिर्फ इंडक्टर हो तो कोई मसला नहीं था, सिर्फ कैपेसिटर हो तो कोई मसला नहीं था, बट अगर इंडक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टर तीनों लगे हुए हो तो हाउ विल यू एड द रेजिस्टेंस विद द इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और हाउ द थ्री विल बी एडेड, वो एक पंगा है, समझ रहे हैं आप। तो इसी के लिए ये सारा काम हो रहा है। तो अब देखिए सर इसको हम ऐड कैसे करेंगे, तो इसको ऐड करने के लिए वी विल बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि इसका ये मतलब नहीं कि ईएमएफ या करंट वेक्टर हो गया,
ठीक है, हम जस्ट क्या कर रहे हैं, हम जस्ट अपनी चीजों को आसान बनाने के लिए हमें मालूम है कि जो रिजल्ट आया था इस तरह की क्वांटिटीज के एडिशन का वो वैसा ही था जैसे वेक्टर को ऐड करने का रिजल्ट आता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए इन केसेस में हम करंट या ईएमएफ को वी रिप्रेजेंट बाय वेक्टर्स, तो हम यही करेंगे सर। चलिए लेट अस डू दैट। अरे सबको समझ आ गया मैंने क्या क्या बोला इतनी देर में? यस सर। तो देखिए सबसे पहला वेक्टर विल ड्रॉ इट फॉर द रेजिस्टर, और रेजिस्टर के लिए आप ये कह सकते हैं कि रेजिस्टर का जो वोल्टेज होगा दैट वुड बी दिस वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, मान लो इसको मैं ई नॉट ER, E नॉट कह रहा हूं, ठीक है, इसी डायरेक्शन में करंट भी होगा। अगर रेजिस्टर की बात करें तो करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेस। इंडक्टर के केस में क्या होगा, इन द केस ऑफ इंडक्टर आपको पता है कि आपका जो ईएमएफ है वो लीड करता है, किससे लीड करता है, करंट से। अगर ये करंट है तो इससे लीड कर रहा है तो इधर ही तो बनाओगे, देख लो सर, नहीं समझ में आए तो पूछिएगा प्लीज। ये समझ आए कैसे, आपने इधर दिखा दिया ये 90 डिग्री से लीड कर रहा है सर। Yes, sir. Yes, sir. और कैपेसिटर के केस में क्या होगा, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो करंट लीड करता है तो वोल्टेज क्या करेगा, वोल्टेज लैग करेगा, कितने एंगल से, बाय द सेम एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये जो होगा ये सर इधर क्या होगा, तो दिस विल बी ई नॉट सी, ये कितना एंगल बनाएगा, तो दिस विल ऑल्सो मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो इनकी वैल्यूज क्या क्या होगी, ये तीन वेक्टर हैं, अभी तीनों वेक्टर को सिंप्लीफाई करना है, बट उससे पहले मैं वैल्यूज बता दूं क्या क्या होगी, मुझे पहले वैल्यू लिखना चाहिए था, बट चलो मान लो किसी भी इंस्टेंट पे अगर करंट आई है, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे अगर करंट आई है, आई तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई मल्टीप्लाइड बाई एक्सएल, से समथिंग भाई, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है ना, तो इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, तो करंट को एक्सएल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा एक बात सोच के, जिस समय पे करंट मैक्सिमम होगा उस समय पे जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा दैट वुड आल्सो बी मैक्सिमम, सही? यस सर। इसी तरह से कैपेसिटर के लिए अगर हम कहें तो कैपेसिटर के लिए क्या लिखेंगे, करंट मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो कैपेसिटर के लिए जो मैक्सिमम आएगा वो कितना आएगा, आई नॉट मल्टीप्लाइड बाय एक्सी। इसी तरह से द थर्ड केस, क्या अगर रेजिस्टर के लिए हम बात करें तो रेजिस्टर में आपको मालूम है आई इन टू आर, तो मैक्सिमम क्या होएगा सर, मैक्सिमम होगा आई नॉट मल्टीप्लाइड बाय आर, ये मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यूज आपको क्लियर है सर? पहले ये वैल्यूज आप लोग कैसे नोट करेंगे मैं बता रहा हूं, पहले आप लोग ये नोट करेंगे जो मैंने यहां पर लिखा है, उसके बाद ये जो फेजर बनाया है वो नोट करेंगे, पहले आप ये वैल्यूज नोट करें उसके बाद ये फेजर नोट करें, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। पहले ये जो सर्किट बनाने के बाद पहले वैल्यूज को ड्रॉ करें, नोट करें, उसके बाद ये जो फेजर बनाया है वो नोट करना। नोट कर लेना तो बताना ताकि हम लोग इसको फिर फाइनली सॉल्व कर सकें। ठीक है, सबने नोट कर लिया होगा आई गेस। तो अब देखो वेक्टर को हम ऐड कैसे करेंगे उसको समझते हैं पहले। तो भाई अगर मैं आपसे कहूं कि किसी पॉइंट पे ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये वेक्टर ए है एंड दिस वेक्टर इज बी, सर दैट दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो व्हाट वुड बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, मतलब व्हाट वुड बी द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ऐसे कह लो। Anyone? Simply a minus b by सीधा a minus b।
अगर दो वेक्टर्स हैं एंड दे आर इन द ऑपोजिट ऑर्डर तो सिंपली उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. दिस इज द व्हाई वी कैन सब्ट्रैक्ट दिस, बिकॉज देखो जनरली वेक्टर को ऐड करने का जो फॉर्मूला है व्हाट इज दैट फॉर्मूला. तो वेक्टर को जो ऐड करने का फॉर्मूला है दिस इज दिस फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ टू ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज ऑलवेज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. तो अगर आपके दो वेक्टर्स हैं सर और दोनों वेक्टर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी. तो आप यही तो लिखेंगे ना ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ टू ए बी कॉस 180 डिग्री कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है माइनस वन. इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ टू ए बी. इसका मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट. तो इसको आप सॉल्व करके ये भी लिख सकते हैं ए माइनस बी. इसका मतलब अगर दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो आप दोनों वेक्टर को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. आई रिपीट कि अगर आपके दो वेक्टर्स हैं एंड दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो सिंपली उसका रिजल्ट क्या होगा, डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर वुड बी द सम ऑफ द टू वेक्टर्स. ठीक है, और अगर किसी एंगल पे हो तो ये फॉर्मूला है. अब देखिए अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो यू आर हैविंग थ्री वेक्टर्स, यू डोंट हैव ओनली टू वेक्टर्स, रादर यू आर हैविंग थ्री वेक्टर्स. सर तीन वेक्टर को कैसे ऐड करें, क्योंकि सर आपने जो फॉर्मूला बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, बाय दैट फॉर्मूला आई कैन ओनली ऐड मैक्सिमम ऑफ टू वेक्टर्स, क्योंकि ए एक वेक्टर हो गया बी दूसरा वेक्टर हो गया, तो मैक्सिमम कितने वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, दो को. और यहां पर तो सर आपने बोला तीन वेक्टर्स हैं, हाउ डू आई ऐड दैट. तो सर इसमें करना यह है कि आप किसी भी दो का रिजल्ट निकाल लो और दो का जो रिजल्ट आए उसको आप तीसरे वाले के साथ ऐड कर लो. फिर से सुनो, आप अगर दो से ज्यादा वैल्यूज होती है तो कैसे सॉल्व करते हो, किसी दो को आप सम ले लो और फिर उसका जो सम आएगा उसको फिर तीसरे वाले के साथ ऐड कर दो, यही तो करोगे. ठीक है, तो दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू हेयर ऑल्सो. तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि ई नॉट एल और ई नॉट सी, ये जो दो वेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं दे आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. से समथिंग, आपको समझ में आई ये बात कि भाई ई नॉट एल दैट इज द ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर एंड ई नॉट सी दैट इज द ईएमएफ अक्रॉस द कैपेसिटर. If you look at this, they are on the same straight line, but in the opposite direction. So, main in dono ko, I can replace by a single vector, jiski value kitni hogi, to jiski value hogi, the difference of the two. Iski value kitni hogi, in dono ka difference hogi actually. Mein. E not L minus of E not C. Samajh aa raha hai? Aap ye cross question kar sakte ho ke, sir, aapne E not C minus of E not L kyu nahi kiya? आपने E नॉट L में से E नॉट C को क्यों सब्ट्रैक्ट किया, जब आपको डिफरेंस ही लेना था तो आप इधर भी तो ले सकते थे, C के डायरेक्शन में भी तो आ सकते थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यू कैन डू इट आइदर वेज, रिजल्ट विल नॉट बी अफेक्टेड. क्लियर. अब देखो बेटा, जब मैंने L और C का रिजल्ट निकाल दिया तो अब मेरे पास अल्टीमेटली कितने वेक्टर हो गए, तो दो वेक्टर हो गए या नहीं हुए बेटा, हाँ ना बोलो मेरे बच्चे. Ultimately, how many vectors are you having now? So obviously, you are having two vectors, right? एक है E not L minus of E not C, और दूसरा vector कौन सा है? तो दूसरा vector हो गया आपका E not R. और इन दोनों के बीच का angle कितना है? तो the angle between these two is 90 degree. Correct है भाई? दोनों के बीच का angle 90 degree. तो आप क्या करेंगे? इन दोनों का resultant निकालेंगे. The resultant would be given by this parallelogram law. अगर आपको class 11 का थोड़ा भी याद हो, तो एक parallelogram law होता था. वही लॉ यहां पर लगाएंगे. दिस विल गिव यू द ई नॉट नेट ईएमएफ. तो कैसे लगाएंगे भाई, बिकॉज दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो सिंपली हम ई नॉट को ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ई नॉट एल माइनस ऑफ ई नॉट सी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ई नॉट आर का होल स्क्वायर. आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है. तो ई नॉट इज इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई नॉट एल हमने क्या लिखा था, तो वी राइट इट एज आई नॉट एक्स एल. इसको हम लिख सकते हैं आई नॉट एक्स सी प्लस ऑफ इसको हम लिख सकते हैं आई नॉट आर का होल स्क्वायर. बिकॉज आप लोग मैथ्स वाले बच्चे हैं तो डायरेक्टली मैं आई नॉट बाहर कर सकता हूं एंड आई कैन राइट दिस एज एक्स एल माइनस ऑफ एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ आर का स्क्वायर. करेक्ट है भाई. तो आई नॉट की वैल्यू को फाइनली हम लिख सकते हैं ई नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स एल का एक्स एल माइनस ऑफ एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर. This is the value of current that you will get in this LC series LCR circuit. ये जो value आई है current की, ये value आपके current की value होगी किसमें? In the case of series LCR circuit. अब आपको directly current निकालना हो तो directly you can use this formula. But this is how we find this formula. I hope आपको समझ आ गया है. अगर आ गया है तो please इसको note करें. इस पर थोड़ी बात और होनी है. उसके बाद फिर हम इसके questions पे आएंगे.
नोट करके बताइएगा प्लीज। किसी को यहां तक कोई इशू कि भाई ये क्या हुआ कैसे हुआ? ये बेसिकली हमने फेजर यूज किया है क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था कि भाई आप ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और ऑल्टरनेटिंग करंट को यू कैन ट्रीट एज वेक्टर्स एंड यू कैन रिप्रेजेंट देम बाय वेक्टर, ऑल्दो इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बट यू कैन ट्रीट इट एज वेक्टर, क्योंकि इसका रिजल्ट वैसा ही आता है जैसा दो वेक्टर के सम का आता है। ठीक है, सबने नोट कर लिया होगा शायद? Yes, yes. ठीक है, तो अब मेरी बात सुनिए। अब इस केस में जो सर ये वाला जो टर्म है ना, विच यू हैव गॉट दिस एज एक्सएल माइनस ऑफ एक्ससी द होल स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर, दिस टर्म दैट यू हैव गॉट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जेड। ये पूरी क्वांटिटी को हम जेड से रिप्लेस कर सकते हैं, इसको जेड, इसकी जगह हम जेड लिखते हैं। जेड का अपना एक मतलब है, इसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है ये जो नेट रेजिस्टेंस आया इस सर्किट का, इट हैज नेम एंड दैट इज इम्पीडेंस। इसका नाम क्या है? इम्पीडेंस है। और इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम बेटा किससे? तो जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इम्पीडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाई जेड। ठीक है, मतलब आप इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका जो आई नॉट है दिस कैन बी रिटन एज ई नॉट बाई जेड, वेयर जेड विल हैव अ मीनिंग कि जेड का मतलब होगा इम्पीडेंस। ठीक है, जिसमें ये छुपा हुआ है एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ आर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को फर्दर हम और आगे बढ़े तो आप सुनिए, इसी में एक चीज और करते हैं बेटा, हम लोग ट्राइंगल बनाते हैं जिसको हम इम्पीडेंस ट्राइंगल का नाम देते हैं। ट्राइंगल एंड दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस ट्राइंगल। जिसमें कैसे शो करते हैं हम इसको, मान लो अगर तुम इधर रेजिस्टेंस ले लो, इफ यू टेक दिस एज रेजिस्टेंस, तो उसके परपेंडिकुलर में ही एक्सएल माइनस एक्ससी आएगा। अब तुम क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो कि मास्टर तुम्हें कैसे पता कि एक्सएल माइनस एक्ससी वुड बी परपेंडिकुलर टू दिस रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस से एक्सएल माइनस एक्ससी परपेंडिकुलर आएगा, ये कैसे पता चल गया आपको? तो सर देखिए, आपने जो इससे पहले फेजर बनाया था तो आपने बोला था इधर ये तो बोला था आपने, तो इधर जो फेजर आपने बनाया था उसमें आपने बोला था कि भाई ये ई नॉट आर है और ये क्या है ई नॉट एल माइनस ऑफ ई नॉट सी। तो भाई इनके वोल्टेजेस में अगर आप एंगल देखेंगे तो 90 डिग्री का है, हाँ या ना बोल? Yes, इसी ई नॉट आर को मैं क्या कह सकता हूँ आई नॉट आर, और इसी ई नॉट एल माइनस ऑफ ई नॉट सी को मैं क्या कह सकता हूँ आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई एक्सएल माइनस ऑफ एक्ससी कह सकता हूँ। तो एक्सएल माइनस ऑफ एक्ससी के बीच का भी अगर एंगल देखें तो 90 ही डिग्री तो लिखा जाएगा। तो इसीलिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर अज्यूम कर लें जिसमें बेस को मैंने आर कह दिया है, तो परपेंडिकुलर विल बी एक्सएल माइनस एक्ससी, तो इसका जो हाइपोटेनियस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज इम्पीडेंस एंड दैट हाइपोटेनियस वुड बी रिटन एज एक्सएल माइनस ऑफ एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ आर का स्क्वायर, दिस इज द इम्पीडेंस। और ये जो एंगल यहां पर ये बना रहा होगा विद द बेस, ये एंगल फाई है, इस फाई का अपना एक मतलब है। फाई को हम क्या कहते हैं समझें बेटा, अगर थोड़ी सी भी आपको फिजिक्स क्लास 11th की याद है, स्पेशली वेक्टर्स, तो आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा कि जब भी आप दो वेक्टर को ऐड करते हो तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी कुछ एंगल पे आता था, याद है किसी को? जिसको हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कहते हैं।
दैट एंगल इज कॉल्ड एज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, ए एंड बी, इफ यू एड दिस टू वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम लॉ, तो इसका ये रिजल्टेंट है अगर, तो दिस रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल एंड दैट एंगल इज कॉल्ड एज अल्फा. याद आया? Yes, sir. इसी तरह से बेटे यहां पर जब आपने दो वोल्टेज को ऐड किया, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यहां पर आपने एक E नॉट R लिया और ये आपने क्या लिया, E नॉट L माइनस ऑफ E नॉट C, और इन दोनों का वेक्टर सम आपने निकाला. तो मैंने आपसे बोला कि द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू विल बी गिवन बाय अ वेक्टर एंड दैट वेक्टर इज दिस E नॉट. तो ये E नॉट कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है E नॉट R के साथ? Yes. नहीं आ रहा. तो ये जो एंगल है इसको हम कह सकते हैं नेट ईएमएफ का फेज एंगल. इस फाई को हम क्या कह सकते हैं कि नेट ईएमएफ जो आएगा उसका फेज एंगल. आपको मालूम है ना कि ईएमएफ का फेज एंगल, करंट का फेज एंगल, ये सब पढ़ा चुका हूं. तो ये फाई को हम कह सकते हैं फेज एंगल ऑफ नेट ईएमएफ. नेट ईएमएफ, अब ये फेज एंगल आपने किसके साथ लिया है, तो आप ये कह सकते हैं विथ, आइदर यू कैन से दिस इज द फेज एंगल विथ ई एम एफ ऑफ रेजिस्टर और फेज एंगल विथ करेंट. या तो आप इस एंगल को कह सकते हैं कि ये करेंट के साथ ये एंगल फॉर्म हो रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि ये वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर के साथ फॉर्म हो रहा है. सर ये दोनों बात सेम कैसे हुई? इसलिए सेम हुई क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट में करंट और जो वोल्टेज होता है रेजिस्टर के अक्रॉस वो दोनों सेम फेज में होता है, वो एक ही लाइन पे तो होता है. तो आप इसको ई आर का के साथ एंगल माने या करंट के साथ एंगल माने, दोनों का एक ही मतलब है भाई, दोनों में कोई बदलाव नहीं आए. ठीक है, इस चीज को मैं टेन फाइव, इस फेज एंगल का अगर मैं टेन ले लू तो टेन ऑफ फाइव can be written as equal to XL minus of XC divided by R. लिख सकता हूं बेटा? Yes, sir. मतलब अगर फेज एंगल आपको निकालना हो, कभी कैलकुलेट करना हो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं XL minus of XC divided by R, where XL is inductive reactance, XC is capacitive reactance and R is resistance. ठीक है, तो ये phi को आप ऐसे भी कह सकते हैं tan inverse XL minus of XC divided by R. आप लोग जानते हैं obviously कि phi would be equal to tan inverse of this value. अच्छा, दूसरी बात इसमें एक बात और समझिए. अब क्या क्या पॉसिबिलिटी और हो सकती है? एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि XL XC से ज्यादा हो. तो अगर XL इज ग्रेटर देन XC, अगर XL XC से ज्यादा होगा तो हम कहेंगे कि LCR सर्किट विल बिहेव एज इंडक्टिव सर्किट. भाई अगर XL ज्यादा हो गया तो वी विल क्लेम दैट कि दिस सर्किट इज बिहेविंग लाइक इंडक्टिव सर्किट. अब क्या मतलब सर इसका, ये सर्किट इंडक्टिव सर्किट हो जाएगी, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब समझाओ. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इंडक्टर में करंट लैग करता है ईएमएफ से, वैसे ही इंडक्टिव सर्किट अगर ये हो जाएगा, मतलब इस LCR सर्किट में भी अगर XL ज्यादा हो जाए XC से, XL ज्यादा हो और XC कम हो, तो इसमें भी जो करंट फ्लो कर रहा है वो लैग करेगा ईएमएफ से. समझ में आई बात? ये मतलब है XL ग्रेटर XC होने पर इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करने का. मतलब ये है कि जैसे इंडक्टर वाली सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट में आपका करंट लैग कर रहा था, वैसे यहां पर भी इस LCR सर्किट में भी करंट लैग करेगा इफ XL इज ग्रेटर देन XC. इसी तरह से दूसरा पॉइंट सर, कि इफ XC बिकम्स ग्रेटर देन XL तो क्या होगा सर? सर्किट विल बिहेव एज कैपेसिटिव सर्किट. कैसे बिहेव करेगा? कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जिस तरह से प्योर कैपेसिटिव सर्किट में आपका करंट लीड कर रहा था, वैसे ही इस LCR सर्किट में भी करंट क्या करेगा, तो करंट विल लीड इन दिस सर्किट ऑल्सो. तो ये मतलब हुआ LCR सर्किट के कैपेसिटिव सर्किट के तौर पे बिहेव करने का. मतलब ये है कि जैसा प्योर कैपेसिटिव सर्किट वैसा ही ये LCR सर्किट बिहेव करेगा. उसी तरह से प्योर इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करने का मतलब ये है कि जैसा
प्योर इंडक्टिव सर्किट बिहेव करता है वैसा ही एलसीआर सर्किट बिहेव करेगा इफ एक्सएल बिकम्स ग्रेटर देन एक्ससी। तो सर एक पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है कि एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाए, बोलो। यस सर। यस सर। अगर एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाए तो सर्किट कैसे बिहेव करेगा, हाउ द सर्किट विल बिहेव इन दैट केस, तुम लोग कुछ अंदाजा लगाओ। रेजिस्टिव। रेजिस्टिव, सीधी बात भाई, एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाएगा तो एक्सएल माइनस एक्ससी की वैल्यू जीरो हो जाएगी ना, तो सर्किट कैसे बिहेव करेगा, तो सिंपली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। खैर आप लोग इसको नोट करें। हो गया? यस सर। यस सर। सर अगर नोट कर लिया आप लोगों ने तो चलो क्वेश्चंस करते हैं, दो तीन क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बट उस ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल फॉर्म में ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ ना, तो न्यूमेरिकल भी एज ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है आपको, और कोई कॉन्सेप्चुअल चीज भी एज एन ऑब्जेक्टिव पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। तो चलिए सर ऑब्जेक्टिव मतलब इस पे बात करना फर्दर, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए सर, क्वेश्चन आपको गिवन है कि आपका एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस इज गिवन एज 50 ओम, इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस इज गिवन एज 20 अपॉन पाई हेनरी, और कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस इज गिवन एज 5 अपॉन पाई माइक्रोफराड, और ये तीनों को कनेक्ट किया हमने सीरीज में, आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ सोर्स ऑफ 230 वोल्ट and 50 hertz supply, ठीक है। आपको निकालना क्या है, find the impedance of circuit, find impedance of circuit, आपको इस सर्किट का इम्पिडेंस बताना है। इम्पिडेंस आपको पता है, इम्पिडेंस का फॉर्मूला आपको पता है, आपको एक्सएल और एक्ससी कैसे निकालना है वो पता है, तो प्लीज आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। यू ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट, यू विल बी सॉल्विंग इट फर्स्ट एंड यू विल टेल मी द रिजल्ट फॉर दिस। तो हरी अप,
कर रहे हो आप लोग सॉल्व? यस सर। ठीक है प्लीज हरी अप, ऐसा कोई खतरनाक सवाल नहीं है जो आपसे सॉल्व नहीं हो। यू जस्ट हैव टू फाइंड द इंपेडेंस एंड टू फाइंड, इन ऑर्डर टू फाइंड द इंपेडेंस यू विल फर्स्ट हैव टू फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इंपेडेंस। तो करो सर जल्दी। चलिए देखिए, रेजिस्टेंस आपको ऑलरेडी 50 ओम गिवन है, बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया आपने, इतनी देर में हो जाना चाहिए था सॉल्व। रेजिस्टेंस 50 ओम है तो रेजिस्टेंस के साथ तो मुझे कुछ नहीं करना, बट इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए मुझे फाइंड करना पड़ेगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस मैंने बोला था आपको, आइदर यू विल राइट इट एज ओमेगा एल, ओमेगा एल अगर आप लिखेंगे तो ओमेगा चाहिए आपको, ओमेगा इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बट अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यू डोंट हैव द वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रादर यू हैव द वैल्यू ऑफ लीनियर फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब इसको आपको ऐसे लिख लेना है 2 पाई एफ इनटू एल। व्हेन यू हैव द लीनियर फ्रीक्वेंसी यू विल जस्ट राइट इट एज 2 पाई एफ मल्टीप्लाइड बाय एल। आप इसको ऐसे लिख लीजिए तो 2 इनटू पाई इनटू फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 50 मल्टीप्लाइड बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस इज गिवन एज 20 बाई पाई, तो पाई से पाई कैंसिल आउट। इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 2000 ओम, बिकॉज इंडक्टिव रिएक्टेंस की भी यूनिट ओम है, तो इट विल बिकम 2000 ओम। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो 1 अपॉन ओमेगा सी आपने पढ़ा था। आसिया ये क्या निकाला है? जेड की वैल्यू, इंपेडेंस की वैल्यू। इंपेडेंस की वैल्यू आपने गलत निकाला है, ये 1 अपॉन 2 पाई एफ सी हम इसको लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए 1 अपॉन 2 पाई एज इट इज, फ्रीक्वेंसी की जगह 50, कैपेसिटेंस आपको क्या गिवन है भाई बोल भी लो यार, कैपेसिटेंस आपको कितना गिवन है? तो कैपेसिटेंस आपको गिवन है 5 बाई पाई, बट इसकी यूनिट अगर आप देखेंगे तो इट इज इन माइक्रो फैराड। क्या यूनिट? फैराड। तो इसको फैराड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूं मैं? फैराड में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, बिकॉज ओम अगर आप यूनिट लिखेंगे तो वो तभी लिख सकते हैं जब आप इसको फैराड में कन्वर्ट करें, तभी तो आप इसको ओम के टर्म्स में लिखेंगे। तो क्या करेंगे आप, 10^-6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे सन्नाटे होके मत बैठ जाओ एकदम, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 10^6 ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 500। जब इसको सॉल्व करके देखेंगे आप तो इट विल अगेन कम आउट टू बी एज 2000 ओम। तो अगर आपको अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या बोला गया आपसे, एक्सएल माइनस ऑफ एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ आर का स्क्वायर। यू विल सॉल्व दिस, ये XL भी 2000 आया है, XC भी 2000 आया है, तो मेरे हिसाब से तो 2000 का डिफरेंस जीरो हो जाता है भाई। प्लस ऑफ R, R की वैल्यू कितनी 50, तो 50 का स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, तो दिस विल बी सिंपली इक्वल टू 50 ओम। दिस इज माय आंसर, इंपेडेंस की भी यूनिट ओम होती है। पता नहीं कितना टाइम लगा दिया और आसिया पता नहीं क्या आंसर निकाल दिया आपने। भाई XL और XC इस केस में बराबर है ना, इक्वल है, तो इसके डिफरेंस क्या आएगा, तो डिफरेंस विल बी जीरो। नोट करें प्लीज, कर लिया नोट? यस यस। वन मोर क्वेश्चन, देखिए आपसे कहता है क्वेश्चन में कि रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम और आपकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज गिवन एज 14 ओम। इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं गिवन है आपको,
इंडक्टर का इंडक्टेंस गिवन है दैट इज इक्वल टू 0.1 हेनरी, ये आपको गिवन है। फिर से आपसे कहता है आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ सोर्स ऑफ 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, ठीक है, ऑब्वियसली एसी। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है, पहला जो कैलकुलेट करना है करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट, और दूसरा आपको कैलकुलेट करना है फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, इन दोनों के बीच का फेज एंगल बताना है। और आपको क्वेश्चन में एक चीज मेंशन की गई है कि टेक पाई इज इक्वल टू 3 फॉर कैलकुलेशन। अब पाई की वैल्यू को एग्जैक्टली कितना ले लीजिए, कैलकुलेशन के लिए 3 मान लीजिए फॉर कैलकुलेशन। तो भाई पहले तो आप लोग करंट बताइए मुझे, करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट मतलब वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपीडेंस। तो करंट निकालने के लिए यू विल हैव टू फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ इंपीडेंस, और उस इंपीडेंस से वोल्टेज को डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट। तो पहले तो इंपीडेंस निकालना है भाई, फिर से इस केस में यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंपीडेंस। इंपीडेंस निकाल के पहले मुझे बताओ, वेरी गुड मानस, करंट इज 10 एम्पियर, वेरी गुड। तो भाई यहाँ पर अगर आप इंपीडेंस निकालेंगे तो सीधा सीधा इंपीडेंस निकालने के लिए पहले फिर से यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस इज नॉट गिवन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू गो फॉर द इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे 2πfL, 2πf की वैल्यू हमें गिवन है 50 हर्ट्ज, ठीक है, और L की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, L की वैल्यू हमें 0.1। हमसे बोला गया कि पाई की जगह आप 3 यूज कर सकते हैं, मतलब पाई की वैल्यू यू कैन टेक इट एज 3। तो आप इसकी वैल्यू अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा सर 30 ओम, दिस विल बी 30 ओम। तो आपका जो इम्पीडेंस आएगा दैट विल बी XL माइनस ऑफ XC, XL की जगह आप लिख दीजिए 30 माइनस ऑफ XC इज 14 का स्क्वायर प्लस ऑफ रेजिस्टेंस का स्क्वायर विच इज 12 का स्क्वायर। तो इम्पीडेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, इम्पीडेंस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 16 आ जाएगा, ये 16 का स्क्वायर प्लस ऑफ 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर प्लस ऑफ 12 का स्क्वायर करो 400 आएगा। 400 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 400 का रूट विल बी 20 ओम। ये तो आपका आ गया इंपीडेंस। तो करंट की वैल्यू क्या आ गई, करंट की वैल्यू आ गई वोल्टेज विच इज 200 डिवाइडेड बाई 20, तो दिस करंट विल बी इक्वल टू 10 एम्पियर। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये तो आ गया करंट 10 एम्पियर, नो इशू विद दिस। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, ये जो करंट आपने कैलकुलेट किया है द वैल्यू ऑफ द करंट दैट यू हैव कैलकुलेटेड, ये करंट कौन सा करंट है, इज इट द पीक वैल्यू ऑफ करंट और इट्स आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, व्हाट इज दिस करंट हियर, इज इट पीक वैल्यू और इज इट आरएमएस वैल्यू। विच वैल्यू ऑफ करंट हैव यू गॉट,
रिमेम्बर मैं बोला था इससे पहले भी एंड आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, ये जो वैल्यू आ रही है ये आरएमएस है। एसी में जब भी कोई वैल्यू गिवन हो वो आरएमएस होगी अनलेस एंड अंटिल मेंशन एज पीक, मतलब जब तक वो पीक के फॉर्म में मेंशन नहीं हो तब तक जो वैल्यू आपको मिलेगी वो कौन सी होगी, दैट वुड बी आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो ये जो आपने करंट निकाला है 10 एम्पियर, दिस इज आरएमएस वैल्यू। अगर इसी क्वेश्चन को एक बार और एक्सटेंड करना चाहे तो वो कह सकता है कि भाई आपको बताना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। अगर इसी क्वेश्चन में एक चीज और बढ़ा देता कि फाइंड द मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट आप क्या लिखते हैं, आई नॉट इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स ऑफ आई आरएमएस, जो भी करंट आया उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं आप, रूट टू से। समझ में आई बात, प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। अब दूसरी चीज, दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, दूसरा पार्ट आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, करंट और वोल्टेज के बीच का आपको क्या बताना है, फेज एंगल बताना है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो मैंने अभी आपको समझाया था फेज एंगल जब भी बोले तो सीधा सीधा आपको क्या यूज कर देना है, टेन ऑफ फाइव, टेन फाइव विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्सएल माइनस ऑफ एक्ससी डिवाइडेड बाय आर। एक्सएल की वैल्यू कितनी है, तो एक्सएल की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी थी 30 डिवाइडेड बाय एक्ससी, एक्ससी की वैल्यू आपने कैलकुलेट करा था शायद कैलकुलेट क्या गिवन है वो 14 डिवाइडेड बाय आर। तो टेन फाइव की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 12, मतलब 4/3। ठीक है, टेन फाइव की वैल्यू, तो फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन इनवर्स 4/3। दिस इज योर एंगल ऑफ द वोल्टेज विद द करंट। ठीक है सर, इसको नोट कर लीजिए।